एलटी संवर्ग भर्ती के 592 शिक्षकों की यहाँ पर भर्ती होगी। हालांकि इसको लेकर लगातार हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। आज कुछ नया क्या है इस भर्ती के बारे में, पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ अपन तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले जो कैबिनेट ने जो है डिसीजन लिया है एलटी से रिलेटेड, उसके बारे में बात करते हैं। तो एलटी संवर्ग के शिक्षकों के हो सकेंगे अंतर मंडलीय तबादले, राहत यहाँ पर दी है। सेवा काल में एक बार ये जो है इसका अवसर जो है मिलेगा, यानी कि जो एलटी वर्ग के जो शिक्षक हैं उनको बड़ी राहत दी है। इन शिक्षकों को अब अंतर मंडली तबादले यहाँ पर हो सकेंगे। पूरे सेवाकाल में शिक्षक एक बार से यहाँ पर से दूसरे मंडल में तबादला पा सकेंगे। ये तो न्यूज हुई, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। मामला यहाँ पर है, अभी उत्तराखंड में लगभग 12,000 एलटी के जो है शिक्षक हैं। अब यहाँ पर जो मामला है वो है नई भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कला विषय के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कला विषय के लिए बीएड को अब अनिवार्य कर दिया गया है। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से एलटी संवर्ग के 300 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। याद हो आपको कुछ समय पहले हमने आपको खबर दी थी, जहाँ पर आपको हमने बताया था कि नियमावली में ही अभी संशोधन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये एलटी की भर्ती अभी लटकी हुई है, क्योंकि इसमें अभी कला संवर्ग के भी पद ऐड होके आने हैं। अगर गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के पद एक साथ आने होते तो कब के आ चुके होते, क्योंकि 10 मार्च को इसका ऑलरेडी एग्जाम शेड्यूल है एज पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कैलेंडर। बट यहाँ पर दिक्कत क्या फंस रही है कि कला वर्ग के पदों को भी, जो 300 के अधिक पद जो बाद में रद्द कर दिए गए थे, उनको भी इसमें क्लब करके एक साथ ही भर्ती निकालनी है। लेकिन उसकी जो नियमावली थी उसमें जो है संशोधन का मामला अटका हुआ था। फिलहाल कैबिनेट ने इसकी जो नई नियमावली है उसको मंजूरी यहाँ पर दे दी है। अब विभाग की ओर से एलटी संवर्ग में भर्ती के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 1592 पदों के भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। शिक्षा विभाग में पूर्व में ही एलटी संवर्ग में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कला विषय एलटी शिक्षकों के लिए वर्ष 2020 में नॉन बीएड कर दिया गया था, जो कि काफ़ी राजनीति इस पर उस समय भी होती, कुछ अभ्यर्थी इसके लिए कोर्ट भी चले गए थे, जिससे कला विषय के 300 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पिछले काफ़ी समय से लटकी हुई है। इसके अलावा संगीत शिक्षक के लिए 5 साल के कोर्स को 6 साल का किया जाएगा। कैबिनेट से इसके प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब बहुत ही जल्द आपको एलटी संवर्ग के पदों का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। हालांकि परीक्षा अब समय से नहीं होने वाली है, जिस हिसाब से आपको पता है कि आने वाले समय में अगले महीने के एंड तक आपको लोकसभा इलेक्शन की जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो जाएंगी, तो कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो जाएगा। केवल इसका विज्ञापन आ सकता है मार्च में, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है, और ज़्यादा उम्मीद भी है, अच्छा है अगर विज्ञापन भी आ जाए तो कम से कम अभ्यर्थियों को ये कि सांत्वना तो हो जाए कि विज्ञापन आ गया है, इस तारीख को परीक्षा होगी, इस माह होगी, क्योंकि बहुत सारे विज्ञापन जो लोक सेवा आयोग से भी निकल रहे हैं, अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी निकल रहे हैं, उनमें ये जो है प्रस्तावित जो है एग्जाम आपका मई जून में कहा गया है। देखते हैं, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।